तो आज हमारा ये रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसमें हमने जो कल प्रॉब्लम की थी उसमें और किस तरह की प्रॉब्लम पूछना कर सकते हैं हम, ये चीज समझिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ ए इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ रूट टू प्लस वन माइनस क्यूब रूट ऑफ रूट टू माइनस वन, क्यूब रूट ऑफ रूट टू प्लस वन माइनस क्यूब रूट ऑफ रूट टू माइनस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस प्लस थ्री ए माइनस टू। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब देखो इसको किस तरह से करेंगे ये चीज समझो बेटा, ये क्यूब रूट आ रहा है तो 100% देखो यहां पर क्या लिख रहा है, क्यूब, तो मुझे क्यूब तो करना पड़ेगा इसका, हमें इसका क्यूब निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे क्यूब, देखो इधर ए इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ रूट टू प्लस वन माइनस क्यूब रूट ऑफ रूट टू माइनस वन। यहां पर फॉर्मूला लगेगा आपका एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा जो पहले बता चुका हूं मैं तुम्हें, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई, ये आपका फॉर्मूला यूज होगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस। अब देखिए इधर इसका मुझे ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका क्यूब करते हैं बेटा, ए का क्यूब, ए क्यूब बेटा सभी बोलेंगे रूट टू प्लस वन का क्यूब रूट का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इस वाले टर्म का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा इस वाले का, बोलिए। रूट टू प्लस वन वेरी गुड, रूट टू प्लस वन ब्रैकेट में रखना बेटा, इसका क्यूब रूट करेंगे तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो रूट टू प्लस वन, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस, बोलो इसका क्यूब करेंगे इस वाले का तो क्या आएगा, सभी बोलेंगे रूट टू माइनस। रूट टू माइनस। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, देखो ये हमारा एक्स है ये वाई है, यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो करके बता रहा हूं, क्यूब रूट ऑफ रूट टू प्लस वन क्यूब रूट ऑफ रूट टू माइनस वन, दोनों क्यूब रूट है तो अंदर वाली वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, रूट टू प्लस वन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं रूट टू माइनस वन से, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, देखना बेटा रूट टू का स्क्वायर टू माइनस बी स्क्वायर, बोलिए किसके इक्वल आ रहा है, बोलिए यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई वन। करता हूं तो वन के इक्वल आ रहा है, क्या ये समझ में आया जो मैंने बताया। यस सर। तो बेटा ये थ्री एक्स वाई वन आएगा कि नहीं आ गया, एक्स वाई वन के इक्वल आ गया, और एक्स माइनस वाई मतलब इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, एक ही, ये हमारा ये लास्ट टर्म हो गया। दोबारा बोल रहा हूं, इसका क्यूब करा तो रूट टू प्लस वन आ गया माइनस, इसका क्यूब किया तो रूट टू माइनस वन आ गया माइनस थ्री एक्स वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मैंने बल्क करके बताया तुम्हें वन आ गया, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो एक एक कूलम। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, बस यही आंसर, रूट टू प्लस वन माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रूट टू माइनस माइनस प्लस वन, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही आंसर जीरो आ रहा है, ए क्यूब प्लस थ्री ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये इसका वैल्यू आ गया। प्रॉब्लम इजी है लेकिन बस एक तो चीज है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एक ये कंसेप्ट कैसे आया वन मल्टीप्लाई में वो चीज आपको पता होनी चाहिए, बाकी प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, बस एक तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, बस ये फॉर्मूला यदि आपको पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये चीज क्लियर है सभी को?
इसमें कोई डाउट है बेटा इस वाली प्रॉब्लम? चलिए लिख लीजिए बेटा इसको, लिख लीजिए जितने मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख देता हूँ। ये देखो इसमें से हम ये यहां पर आया, ठीक है। A इक्वल टू 3 की पावर 1/4 प्लस 3 की, बेटा अब ये सब एक्स्ट्रा प्रॉब्लम चल रही है, मतलब ये वाली प्रॉब्लम तो आ सकती है पिछले वाली तो, लेकिन अब ये सब एक्स्ट्रा प्रॉब्लम चल रही है। देखो A का वैल्यू ये आ गया, B का वैल्यू है 3 की पावर 1/4 माइनस 3 की पावर माइनस 1/4, देन फाइंड 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें वैल्यू निकालनी है 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैं यहां लिख दूं, ए का वैल्यू है 3 की पावर 1/4 प्लस बी की पावर 3 की पावर माइनस 1/4 प्लस 3 की पावर माइनस 1/4 और बी का वैल्यू है 3 की पावर 1/4 माइनस 3 की पावर माइनस 1/4। सबसे पहले बेटा मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल, तो बेटा ए स्क्वायर कर रहा हूं भाई, ए स्क्वायर मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर, 3 की पावर 1/4 प्लस 3 की पावर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/4 माइनस 3 की पावर माइनस 1/4 का स्क्वायर। बेटा प्लीज सभी बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जवाब देंगे बिल्कुल सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा जल्दी से 3 की पावर 1/4 का स्क्वायर कर दो, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा बेटा जल्दी बोलिए, 1/2 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 2ab। बेटा बताया था ए बी दोनों पावर आपस में डिफरेंट आ रही है साइन में, तो आएगा 1, याद है बताया था? यस सर। यदि दोनों आपकी अपोजिट साइन की आ रही है पावर तो वो 1 होएगा मल्टीप्लाई। इधर भी ऐसे करेंगे 3 की पावर 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं देख रहा हूं 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर आ गया ट्वाइस ऑफ 3 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर माइनस, ये तो वैल्यू आ गई भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करना, चलिए होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर करो 4, अंदर का होल स्क्वायर करना बेटा इसका स्क्वायर करना 3 की पावर 1/2 का कितना आया, क्या बेटा स्क्वायर करने पर 6 कैसा आएगा, 3। अरे बेटा क्या कर रहा है, 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा ना बेटा, हां सर, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वापस से डिफरेंट साइन का है, तो ये हमने इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, ये कैसा आया समझ में आया क्या, कि दोबारा बताने की जरूरत है? भाई नहीं आया तो एक बार दोबारा लिख देता हूँ, देखो ये लिख दिया, कोई बात नहीं अपन पूरा एक सिस्टमेटिक कर देते हैं। ये लो 2 3 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, तो ये आ गया बेटा 4 3 प्लस 3 की पावर माइनस 1 हो गया 1/3 प्लस 2
तो 4 5 प्लस 1 बाई 3 करना बेटा, 5 प्लस 1 बाई 3 कितना आया 16 बाई 3, तो ये आ गया हमारा 64 बाई 3। 64 बाई 3, तो लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 3a² + b² = 3 into ये आ गई आपकी 64 बाई 3। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, बोलिए। 64 इसका आंसर। 64 क्या समझ में आया, बोलिए, क्लियर है? चलिए अच्छी प्रॉब्लम है, ये भी लिख लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए। बेटा कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, जिसने नहीं पढ़ रखा और या जो भी है, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी 11:30 से 12:30, 11:30 to 12:30, जिसमें आपको रेशो पढ़ाएंगे। जिसने रेशो नहीं पढ़ा या हाँ बेटा बोल सर, आपने टेस्ट का भी बोला था ना, रेशो प्रोपोर्शन का। लेकिन बेटा टेस्ट तो ये किसी ने बोला ना, हमारा इको का टेस्ट है, इसलिए मैंने फिर कल नहीं रखा ये। और देना हो तो फिर एक काम करो, फिर रेशो प्रोपोर्शन का टेस्ट देना है भाई, कितने लोग हैं एग्री, मेरे को कोई दिक्कत नहीं टेस्ट को, तो आप 1 से 2 दे दीजिए टेस्ट, जिसको टेस्ट देना है। हैं एमसीक्यू होगा या रिटन होगा बेटा? एमसीक्यू होगा, आपको मैं पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। देखो कैसे होगा, एमसीक्यू होगा, पेपर मैं पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको सिर्फ ऑप्शंस लिख के भेजने हैं, जितने भी पेपर होंगे उसके ऑप्शंस लिख के भेजने हैं। और जैसे ही आप ऑप्शंस लिख के भेजोगे मुझे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करूंगा। एक बार आप खुद चेक करना कितने मार्क्स आए, मुझे सेंड करना, फिर मैं दोबारा री मतलब वापस से टैली करूंगा कि आपने सही भेजे कि नहीं, ये काम होगा, ठीक है। तो आपका टेस्ट का टाइमिंग देखो 11:30 से 12:30, अपना रेशियो प्रोपोर्शन की रिवीजन क्लास, और 1 से 2, फिर आप 1 से 2 नहीं, आधे घंटे का ही होगा, 1 से 1 to 1:30 आपका टेस्ट, ये रहेगा कल का पैटर्न। 10:30 to 12:30 आपकी रिवीजन क्लास, रिवीजन क्लास मत बोलो उसको, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उसके लिए, और फिर उसके बाद हम टेस्ट लेंगे 1 to 2:30, ये कल का पैटर्न है, ठीक है। चलिए ये सबने लिख लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं, पेज नंबर 2। नेक्स्ट, वैसे कंप्लीट हो गया, बस एक प्रॉब्लम और करना है और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखो इस तरह की प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन कभी आ जाए तो आपको पता रखना है। इफ a = 3 - √5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ - a³ - 20a² - 16a + 24, इसका वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे करेंगे ये समझो, देखो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए मैंने बोला है कि नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको आइडिया रखना है। a का वैल्यू 3 - √5, तो बेटा मैं जो रूट वाली वैल्यू उसको छोड़ के बाकी को इधर लिया, पहला स्टेप, और फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा ताकि ये रूट हट जाए। इसका स्क्वायर कर लेंगे a² - 6a + 9, और इधर भी स्क्वायर कर लेंगे 5, तो ये आ गया हमारा a² - 6a + 4 = 0। पहला काम ये करेंगे,
भाई ए का वैल्यू आपके पास 3 माइनस रूट 5 है, तो ए माइनस 3 आपका माइनस रूट 5 हो गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9, और माइनस रूट 5 का स्क्वायर किया तो 5, तो वैल्यू आ गया ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 4 इक्वल टू। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पूरे को जिसकी वैल्यू निकालनी है इसको इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, लेंथी है मैं मानता हूं लेकिन आपको मेथड यही है इसका, और थोड़ा सा देखो इंडिसेस हार्ड भी है, इंडिसेस में आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, और उसके लिए हम इसको 2-3 बार करवाएंगे, चिंता मत करो, 2-3 बार मिनिमम है, 3 बार से ज्यादा रिवाइज करवाऊंगा इसको ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। ए स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए की पावर 4 आ जाए, माइनस 6 ए क्यूब प्लस 4 ए स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, प्लस 6 माइनस 1 5 ए क्यूब बचा है, और ये माइनस 24 ए स्क्वायर। अब बोलो बोलो ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ए क्यूब आ जाए, बोलिए सब, 5 ए, तो ये 5 ए क्यूब माइनस 30 ए स्क्वायर और प्लस 20 माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस। अब 6 ए स्क्वायर आ रहा हो, ये ए स्क्वायर, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 क्या रिमाइंडर बच रहा है भाई, सब कैंसिल हो गया मुझे लग रहा है, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जी जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा, ऐसा इसलिए होता है, आपने कभी पढ़ा होगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, बेटा डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड कर रहा हूं, तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल है ये, तो बेटा 0 इंटू क्वेश्चन, तो रिमाइंडर ही तो आंसर आएगा, मतलब डिविडेंड मतलब इसकी वैल्यू, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर ही आंसर आएगा। क्या ये समझ में आया, क्या बोलिए, ठीक है, मेथड है लेकिन अब करना ऐसे ही पड़ेगा, एक और मैं प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ, तो पहले इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए बेटा इसको, लिख लिया क्या, बोलिए, यस सर, चलिए नेक्स्ट, इफ ए इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस रूट, देन द वैल्यू ऑफ टू ए की पावर 4 माइनस 21 ए क्यूब। भाई एक बार आपका ये 12th वाला मामला क्लियर हो जाए तो मैं फिर आपको रिवीजन क्लास इवनिंग में स्टार्ट करूंगा, बेटा लेंगे आपकी रिवीजन क्लास इवनिंग में स्टार्ट हो जाएगी ये, ताकि आपको चीजें हाथों हाथ रिवाइज हो जाए, एक बार मुझे लगता है एक वीक के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा डिसीजन जो भी होगा,
तो अपन इवनिंग में फिर क्लास लेना चालू करेंगे इसकी रिवीजन क्लास. a इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट. ऑब्वियसली हमें पता है कि इसको हम क्या करना पड़ेगा बेटा, रेशनलाइज करना पड़ेगा. ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और नीचे तो वन आ ही रहा है. Yes, sir. कल भी कर चुके हैं हम इस तरह की प्रॉब्लम. तो ए का वैल्यू आ गया 5 प्लस 2 6. अब देखो बिल्कुल सेम पैटर्न है, 5 को आप इधर लेके आएंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे ताकि स्क्वायर ये स्क्वायर रूट हट जाए, इधर स्क्वायरिंग क्या है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर स्क्वायर क्या तो 24, तो हमारी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस टेन ए प्लस वन इक्वल टू. क्या ये चीज क्लियर है यहाँ तक बेटा सभी को? बोलिए. यस यस सर. अब देखिए इधर मैंने आप क्या बोला, आपको इसको डिवाइड करने के लिए बोला था आपको, टू ए की पावर फोर माइनस 21 ए की प्लस 12 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, ये हम डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस वन से, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं. बोलो ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सभी बोलेंगे बेटा 2 ए की पावर 4 आ जाए. तो ये 2 ए की पावर 4 माइनस 20 ए स्क्वायर 20 ए क्यूब और प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 21 प्लस 20 माइनस ए क्यूब प्लस 10 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन. अब बेटा ए स्क्वायर को माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए क्यूब आ जाएगा प्लस 10 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस माइनस प्लस कैंसिल, तो हमारा रिमाइंडर बचा वन. सो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? वन. ये इसका वैल्यू आ गया. इज इट क्लियर? बोलो ये सही है, क्लियर है? ये मेथड समझ में आ गया सभी को? ठीक है लिख लीजिए बेटा. यस सर. लिख लीजिए. देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा देता हूँ, तो एक काम करेंगे आज आपकी जो अभी मीटिंग जब एंड होगी तो फिर उसके बाद दोबारा रिकनेक्ट भी करेंगे आज, ठीक है? क्योंकि ये कंप्लीट हो गया तो फिर उसके बाद कल ही करेंगे. एक दो क्वेश्चंस और बता देता हूँ मैं. नेक्स्ट जैसे ये वाली प्रॉब्लम आ चुकी है, देखिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन
एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये चीज समझो, ये एक्स प्लस जेड है, इसमें हम क्या कर सकते हैं ये चीज समझो। या तो हम कोई वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऐसी रखनी है जो सबको सेटिस्फाई, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। या तो तीनों वन रख लो, तो वन में तो जीरो नहीं आएगा नीचे, लेकिन वन के अलावा कुछ और रख रहे हो तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। भाई नीचे जीरो आएगा तो वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो या तो ट्रिक लगा लो, या मैं मेथड बता देता हूँ बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलिए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी की बात कर रहा हूं। तो देखो उधर ए प्लस बी ए माइनस बी कैसे आएगा? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ध्यान से देखना, ए माइनस वाई और माइनस प्लस, ये ए माइनस बी, नीचे भी ए प्लस बी एक्स प्लस जेड प्लस वाई, और फिर नीचे ए माइनस बी एक्स प्लस जेड माइनस वाई। बेटा ध्यान से देखना, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस सर, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। हाँ सर, फिर वापस से ऊपर बोलो बेटा, ए प्लस बी वाई प्लस एक्स माइनस जेड, ए माइनस बी बोल रहा हूँ, वाई माइनस एक्स प्लस जेड, नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड। बोलिए वापस से, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बोलिए। यस सर, तो सही, ये कैंसिल हो रहा है सर, ये वाला। फिर वापस से जेड प्लस एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स माइनस और माइनस प्लस वाई, नीचे वाई प्लस जेड प्लस एक्स और वाई प्लस जेड माइनस एक्स, अगेन देखो कैंसिल हो रहा है ये दोनों। अब ध्यान से देखिए, जो अपॉन में आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो तीनों में ये कॉमन आ रहा है भैया, एक्स प्लस वाई माइनस जेड आ गया, यहाँ पर y माइनस एक्स प्लस जेड आ गया और यहाँ पर है z प्लस एक्स माइनस वाई, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, z से z कैंसिल। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर भी x प्लस y प्लस z बच रहा है और नीचे भी x प्लस y प्लस z। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? बोलिए। वन वन आ गई सर, इस तरह से ये वैल्यू आ गई। क्लियर है? लिख लीजिए इसको। मैं ट्रिक भी बता देता हूं अभी, पहले आप लिख लीजिए, इसका ट्रिक बता दो। हटा दें, बोलिए हटा दें। यस सर, यस सर।
ट्रिक, बोलो वन वन रखू कि कुछ और वैल्यू रखू, बताओ जो आप बोलो। वन वन भाई, वन वन से तो इजीली आ जाएगा। सबो मैंने एक्स की वैल्यू टू ले ली, वाई की वैल्यू फोर ले ली और जेड की वैल्यू आपने सपोज फाइव ले ली, ताकि कोई दिक्कत ही नहीं आए। अब देखो हमारे पास क्या था, ये सिंपल एक्स स्क्वायर मतलब फोर, वाई प्लस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड मतलब फोर माइनस फाइव माइनस वन का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस जेड सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन माइनस वाई का स्क्वायर सिक्सटीन, फिर है वाई स्क्वायर सिक्सटीन माइनस एक्स माइनस जेड टू माइनस फाइव माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, फिर नीचे है आपका एक्स प्लस वाई थर्टी सिक्स और माइनस जेड स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, फिर है बेटा जेड स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, फिर है वाई एक्स माइनस वाई माइनस टू का स्क्वायर फोर, फिर नीचे है बेटा वाई प्लस जेड नाइन एट्टी वन और माइनस एक्स स्क्वायर फोर। अब देखिए ये फोर माइनस वन थ्री अपॉन थर्टी थ्री, फिर ये आपका सेवन अपॉन इलेवन और ये आपका ट्वेंटी वन अपॉन सेवेंटी सेवन, ये आ गया वन बाई इलेवन, ये आ गया सेवन बाई इलेवन और ये हो गया थ्री बाई इलेवन। बोलिए क्या आ रहा है, बोलिए आ गया समझ में, क्लियर है? यस सर। चलिए लास्ट प्रॉब्लम और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये भी रिवाइज ही करवा रहा हूँ। इफ थ्री की पावर एक्स इक्वल टू फाइव की पावर वाई इक्वल टू सेवेंटी फाइव की पावर जेड, देन कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है आपके पास एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, दूसरा ऑप्शन है बेटा आपके पास टू बाई एक्स प्लस वन बाय वाई माइनस वन बाय जेड इक्वल टू जीरो, तीसरा ऑप्शन है वन बाय एक्स प्लस टू बाय वाई माइनस वन बाय जेड इक्वल टू जीरो, और चौथा ऑप्शन है टू बाय एक्स प्लस वन बाय जेड इक्वल टू वन बाय वाई। बेटा ये तुम कर चुके हो तो एक बार बता दो जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। सी है सर, सी आंसर है, देख लेते हैं एक बार बेटा। थ्री की पावर एक्स इक्वल टू फाइव की पावर वाई इक्वल टू सेवेंटी फाइव की पावर जेड, बेटा सबसे बड़ा नंबर सेवेंटी फाइव है, तो सेवेंटी फाइव की पावर फाइव स्क्वायर थ्री की पावर वन इंटू फाइव की पावर टू, बिल्कुल सही है बेटा, फाइव की पावर वन अपॉन जेड इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वाई, तो ये आ गया आपका वन बाय एक्स, बिल्कुल सी आ रहा, वेरी गुड, ये हमारा इसका आंसर है, क्लियर है? बोलिए बेटा सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है चलिए, तो ये हमारा इंडिसेस कंप्लीट हो गया बेटा, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इसमें लॉगरिथम। और ये सोच लीजिए बेटा जिसके दोनों चैप्टर आपने कम पढ़े हुए हैं या जिसने बीच में से ज्वाइन किया है, अब लॉगरिथम से मानो आपका कोर्स चालू होना है जिसका आप पहले नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने शुरू के दो चैप्टर दो टॉपिक पढ़ रखा है, ठीक है, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है, वो दोनों टॉपिक आपको मैं दोबारा करवा दूंगा, उसकी चिंता मत, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल अपन मिलते हैं 11:30 बजे। थैंक यू सर। ओके।